हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए सीबीटी 2 की प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। आप लोगों का सीबीटी 1 तो कंप्लीट हो चुका है और लगभग 10 से 12 दिन में आपके आंसर की भी आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है। और लगभग एक महीने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो अगस्त या सितंबर में आपका जो सीबीटी 2 है वो हो सकता है, ठीक है। तो अगस्त में हो या सितंबर में हो, आपके पास कुल मिला के 2 से 2.5 महीना है, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके सीबीटी 2 में सिलेबस क्या है और किस तरह से आपको उसके लिए तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, सीबीटी 2 के बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स भी आपके 150 ही रहेंगे, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपके लिए 2 घंटा, यानी 120 मिनट। अब हम देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपने सीबीटी 1 के लिए भी की थी और वही सिलेबस यहाँ पर है आपका, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। नोटिस में जाकर के आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ भाई, करंट अफेयर है आपका, ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इकोनॉमिक्स भी है, तो वही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर भी हैं। उसके बाद साइंस में अगर हम बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, बायोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और वो भी किस लेवल की है, हाई स्कूल, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बुक की बात करूँ तो मेरे हिसाब से आप लूसेंट की बुक ले लेना कंप्यूटर की, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। चलो आगे देखो, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। तो ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, तो पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप एक काम करना, एनसीईआरटी की बुक आती है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की, केवल एक ही बुक आती है, वो खरीद लेना, ठीक है। एनसीईआरटी की बहुत बढ़िया बुक है एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लास्ट टेक्निकल एबिलिटी, ठीक है। तो चलिए अब हम इनका जो वेटेज है, कितने कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो स्टेज 2 में, ठीक है, आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही उसके मार्क्स होंगे। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे, 15, और आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे 10, और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे एनवायरनमेंट से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो टेक्निकल एबिलिटी, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपके हो गए 150, ठीक है। तो चलिए, पे तो हमने बात कर ली अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटी, तो इसमें ग्रुप बटे हुए हैं आपकी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इन पे हम बात करते हैं कि क्या आपका सिलेबस है और कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। दोस्तों बुक्स पे अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बुक्स जो आपको बताऊंगा वो आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं करना है कि मैंने आपको बुक बता दी और आप सारी बुक को पढ़े जा रहे हो, ठीक है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोटिस के, ये नोटिस जो है, नोटिफिकेशन, इसके पेज नंबर 29 पे आना है, ठीक है, आपके पास होगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो पेज नंबर 29 से आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस फॉर सिविल एंड अलाइंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम ग्रुप JEE, ठीक है। तो यहाँ पर सिविल से रिलेटेड आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सारा तो पढ़ के नहीं बताऊँगा, ठीक है, आपका जो भी आपका ग्रुप है, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेबस को पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, तो ये सारी चीज़ें सिविल के बारे में लिखी हुई हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आप देखेंगे सिविल का इतना सारा सिलेबस आपको दे रखा है। उसके बाद आपका किसका आ जाता है, इलेक्ट्रिकल का आ जाता है। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मैकेनिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, ठीक है, और मैकेनिकल के बाद आपको कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस के बाद आपका हो जाता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और लास्ट में आपका आ जाएगा CMA, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के सिलेबस दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं CMA पे यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि CMA के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री है, और वो भी आपकी 12th लेवल तक की है, बीएससी लेवल इसमें नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें। जो मैंने सब कुछ पढ़ रखा है वो मोस्टली आपको 12th की बुक में मिल जाएगा। तो अगर आपने 12th की बुक अपनी नहीं बेची है तो आप उसी से तैयारी कर सकते हो, लेकिन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सिलेबस आप पढ़ते जाओ और वो टॉपिक कवर करते जाओ। ठीक है, अगर बुक नहीं है आपने आपके पास नहीं है तो आप क्या करना, एनसीईआरटी की बुक खरीद लेना। ठीक है, 11 कक्षा 11 और 12 की, वहाँ से आपका सीएमए का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बुक देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बुक देखिए आप, बहुत ही अच्छी बुक है ये। ठीक है, इस बुक को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बुक है, लेकिन ये CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए हैं। तो हमें CBT 1 से तो कोई मतलब नहीं है, हमें CBT 2 से मतलब है। तो CBT 2 का कंप्लीट मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर नॉलेज, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। और क्योंकि ये बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CBT 2 का कंप्लीट सिलेबस आपको दे रखा है इस बुक के अंदर। ठीक है, बात करते हैं अगर हम इसके पब्लिकेशन की, तो इसका पब्लिकेशन है GK पब्लिकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, आपका जो भी ग्रुप है, चाहे आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, जिससे भी आप हैं, GK पब्लिकेशन के द्वारा CBT 2 और CBT 1 के लिए सभी में ऐसी बुक बनाई गई है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो ये बुक आराम से आप ले लो, आपका सारा सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रह जाएगी। ठीक है, तो ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं। आप चाहें तो किसी भी ग्रुप के लिए GK पब्लिकेशन की ये वाली बुक खरीद सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक बुक हो गई, एक बुक मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो ये अच्छी बुक है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अरिहंत पब्लिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक सीरीज़ है, जैसा कि मैंने कहा GK पब्लिकेशन की वो सीरीज़ है जिसमें सारे ग्रुप कवर किए गए हैं, ऐसे ही अरिहंत पब्लिकेशन की ये सीरीज़ है, इसका नाम है स्टडी पैकेज। ठीक है, तो इसने भी सारे ग्रुप को कवर किया है। यहाँ पर केवल मैकेनिकल के लिए ये बुक है, तो ये सिविल के लिए भी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल के लिए, सभी के लिए मिल जाएगी। ये आपकी CBT 2 2019 Stage 2 के लिए है। ठीक है, और इसके अंदर भी सारा कुछ जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया गया है। आप वीडियो को थोड़ा हाई पिक्सल पे कर लेना, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर देखिए, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक, कंप्यूटर, और आपका एनवायरनमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल, और लास्ट में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यानी ये भी वो बुक है जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपका दे रखा है CBT 2 का, और ये सभी ग्रुप के लिए हैं, सिर्फ मैकेनिकल के लिए नहीं है। आप जिस भी ग्रुप से हैं आप उस हिसाब से बुक खरीद लेना। तो मैकेनिकल के लिए मुझे लगता है वो दो बुक जो हैं वो सफिशियंट हैं। ठीक है, वहाँ से आप थ्योरी पढ़ लेना, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अलग बुक मैं आपको बता दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैकेनिकल के बाद आप सिविल के लिए भी GK पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हो, तो ये GK पब्लिकेशन की बुक है सिविल के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ, और ये अरिहंत की स्टडी पैकेज है किसके लिए, सिविल के लिए। तो यहाँ पर मैकेनिकल सिविल आपके दोनों कंप्लीट हो गए, इन दोनों में से चाहे तो आप कोई एक बुक खरीद सकते हो या दोनों खरीद सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रैक्टिस की। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लगभग कितने हैं, 5000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब इसका बस आप पब्लिकेशन याद रख लो। ठीक है, क्योंकि ये वाली बुक भी सभी ग्रुप के लिए है। ठीक है, तो इसका जो पब्लिकेशन है वो है एस चंद। ठीक है, बस आपको एस चंद याद रखना है। ठीक है, जाके आप एस चंद का बोल दोगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी बुक आती हैं, आपको पता होगा, रीजनिंग की भी बुक आती हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो एस चंद की मैकेनिकल के लिए भी है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सभी के लिए हैं। किसी में 4500+ क्वेश्चन है, किसी में 5000+ क्वेश्चन है। तो आप किसी भी ग्रुप के हैं, एस चंद की ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली बुक आप ले लो। ठीक है, जिस भी आप ग्रुप के हैं उस ग्रुप की, और आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है कि आप GK पब्लिकेशन की किसी भी ग्रुप की बुक खरीद सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए ये वाली बुक बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या है, कंप्लीट सिलेबस दे रखा है और लगभग 15000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रिकल के लिए ये बुक बेस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले इस बुक को खरीद सकते हैं। अगर आप इसके राइटर की बात करें तो याद रखना JB गुप्ता। ठीक है, JB गुप्ता क्या है, इसके राइटर हैं। तो आप JB गुप्ता करके आप कहीं से भी अगर आप खरीदना चाहें अमेजोन वगैरह से, तो JB गुप्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक लिख देना, वहाँ पर आपकी ये बुक आ जाएगी। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये वाली बुक खरीद सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और चीज़ें। जैसे मैंने कहा था एस चंद की, आप सिविल इंजीनियरिंग की ये 4500 प्लस खरीद लेना, एस चंद की सभी के लिए हैं ये आप खरीद लेना। उसके बाद एक बुक और है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप ये खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, वरना आपका वहीं से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये है बिरला पब्लिकेशन की और लिखी गई है आर के राजपूत द्वारा, ठीक है। अगर आप खरीदना चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, वरना आपका जो मैंने अभी बताया है जेबी गुप्ता वाली, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, जीके पब्लिकेशन से भी बेस्ट है। लेकिन क्योंकि ये वाली जो बुकें दोनों मैंने आपको बताई हैं, ये जेई के लिए नहीं बनाई गई हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जेई का कंप्लीट सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप जीके पब्लिकेशन की खरीदोगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी जेबी गुप्ता की ही आप बुक ले सकते हो, ठीक है, जेबी गुप्ता की आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक ले सकते हो, ये बुक बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपका सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बुक से पढ़ना, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या कर सकते हो भाई, जो जी के ग्रुप है, जी के पब्लिकेशन है, वहाँ से भी आप ये बुक खरीद सकते हो, यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। या फिर आप अलिहंत की जो पैकेज है, स्टडी पैकेज, वहाँ से बुक खरीद सकते हो। और लास्ट में आप यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी जीके पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है, तो आप इसको खरीद लेना, कंप्यूटर साइंस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था सीएमए के लिए, ठीक है, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, तो मैंने कहा था कि आप एनसीईआरटी की बुक ले लेना, और एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के बाद आप ये वाली बुक अगर लेना चाहें तो ले लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको एमसीक्यू दे रखे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगरप्रिंट, केमिस्ट्री है ये। ऐसे ही आपको फिजिक्स भी मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको फिजिक्स मिल जाएगा इस तरह से। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, वरना अगर आप यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे चैनल्स हैं वो तैयारी करा रहे हैं, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना सिलेबस जेई में दे रखा है कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको कंप्लीट कराएगा, ठीक है, वो जरूर शॉर्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ देगा, तो इसलिए बुक लेना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। आप क्या करो, बुक से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब वो टॉपिक आप पढ़ लो तो उसके बाद आपको बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि वो तो सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब करके आएंगे, लेकिन जब आप बुक से पढ़ोगे तो वो चांसेस हैं कि आपके जो नंबर बढ़ेंगे, जो एक्स्ट्रा नंबर होंगे उन बच्चों से, वो क्या होंगे, वो आपके होंगे। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के रखा है, ठीक है। तो आपको आपके सारे के सारे ग्रुप हो गए, उसके बाद आपका सीएमए भी हो गया, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बुक खरीदने की आपको ज़रूरत है, कि एक ग्रुप के लिए 2 से 3 बुक ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। एक बुक ले लो जीके पब्लिकेशन, या फिर अरिहंत वाली दूसरी ले लो, कोई भी आप एक ले लो, ठीक है। और दोस्तों वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एस चंद वाली किताब तो बता ही दी है, क्योंकि वहाँ पर सभी ग्रुप के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बाद में आपको ये काम और करना है आरआरबी जेई 2019, यहाँ से आपको क्या करना है, 18 प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर इसमें दिए हुए हैं, आपको एक बार ये चीज़ और लगा के जानी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो जूनियर इंजीनियर के सेट दे रखे हैं 16, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सेट दे रखा है, ठीक है, और आपका सीएमए का, ध्यान से देख लो, सीएमए का भी एक सेट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 18 सेट दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इस बुक को यार और ले लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगी। पब्लिकेशन देख लो, ईडीयू राइस, ठीक है, EDU राइस पब्लिकेशन, ठीक है, इस बुक को ले लेना, और जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए उसके बाद इस बुक को उठाना, ठीक है। चलो तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, तो कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि 80 से 90% कमेंट के जवाब तो मैं दे ही देता हूँ, ठीक है, लेकिन जब टाइम नहीं मिल पाता तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।